इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल तो सेल के ईएमएफ के बारे में पूछा गया है ठीक है ईएमएफ को हम क्या पढ़ते हैं ई क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस होता है ठीक है कैसे ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड ये क्या होता है ई एम एफ ऑफ द सेल ठीक है ई नोट कैथोड तो ई e नोट का मतलब हो गया स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पोटेंशियल मतलब इलेक्ट्रोड के बारे में बात कर रहे हैं हम यहाँ पे ठीक है जनरल के बारे में मैं बात करूं तो वो क्या हो जाएगा ई कैथोड माइनस ई एनोड वो क्या हो जाता है ई एम एफ ऑफ द सेल हमें देखिए डेटाज गिवन होते हैं कि इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है एंड कैथोड का एंड एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये है तो उसका ई एम एफ ऑफ द सेल हम निकाल सकते हैं दोनों के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस करके ठीक है सपोज कीजिएगा हमारे पास एक रिएक्शन है रिएक्शन किस तरीके से प्रोसीड हो रही है जेड एन ठीक है जेड एन टू पॉजिटिव फिर ये सॉल्ट ब्रिज रिप्रेजेंट करते हैं हम इसके बाद सी यू टू पॉजिटिव एंड सी यू तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है देखिए सॉल्ट ब्रिज के इस साइड जो होता है वो लेफ्ट में लेफ्ट में जो होता है वो क्या होता है एनोड ठीक है एंड राइट right में जो होता है वो क्या होता है कैथोड और एनोड पे कौन सा चार्ज होता है लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होता है ठीक है एंड एनोड पे नेगेटिव चार्ज होता है और कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है एंड कैथोड पे क्या होता है रिडक्शन होता है ठीक है एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हो गया लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन ठीक है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कह सकते हैं तो Zn अपने दो इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है एंड कॉपर टू पॉजिटिव दो इलेक्ट्रॉन गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है ठीक है रिडक्शन का मतलब क्या हो गया गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लियर तो ई क्या होता है अब सपोज कीजिएगा यहाँ पे हमारे पास किसका ई गिवन होता है मतलब रिडक्शन पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होता है ठीक है जेड टू पॉजिटिव का एंड सी यू टू पॉजिटिव का अब यहाँ पे कैथोड और एनोड हमें अपने आप डिफाइन करना होता है ठीक है तो कॉपर ने इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं इलेक्ट्रॉन गेन करे हैं मतलब इसका रिडक्शन हो रहा है रिडक्शन कौन से इलेक्ट्रोड पे होता है कैथोड पे होता है तो मतलब कॉपर यहाँ पे क्या है कैथोड है और जिंक यहाँ पे क्या है एनोड है उसको हमने आइडेंटिफाई करना होता है पहले ठीक है अब कॉपर और जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का वैल्यू हमें गिवन होता है तो इसकी हेल्प से हम ई निकाल सकते हैं ठीक है थीके? तो ये जो स्टेटमेंट है फर्स्ट वाली ये स्टेटमेंट करेक्ट है इसमें साथ में बोला गया है वेन नो करंट इज ड्रॉन थ्रू द सेल सेल से करंट कोई भी जो प्रोसीड होता है सेल में करंट उस करंट को बाहर कहीं पे नहीं निकाला जाना चाहिए तभी तो हमें एग्जैक्ट ई का पता चलेगा ठीक है रीजन में क्या बोला गया है कि एनोड इज कैप्ट ऑन द राइट साइड एंड कैथोड इज कैप्ट ऑन द लेफ्ट साइड वाइल रिप्रेजेंटिंग द गैल्वेनिक सेल तो गैल्वेनिक सेल का रिप्रेजेंटेशन मैंने ये करा है तो एनोड कौन सी साइड है लेफ्ट की साइड और कैथोड कौन सी साइड है राइट right की साइड और इसमें क्या बोला गया है कि एनोड राइट right की साइड है और कैथोड लेफ्ट की साइड है तो ये रॉन्ग हो गया ठीक है अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में भी रिप्रेजेंटेशन यही रहती है कि लेफ्ट में जो होता है वो क्या होता है एनोड और राइट में क्या होता है कैथोड बस उसमें साइन का फर्क होता है ठीक है तो ये जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट रॉन्ग होगी तो आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा कि असन करेक्ट है लेकिन रीजन फॉल्स है सो असेसन इज टू बट रीजन इज फॉल्स तो सी ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा क्लास 6 से ट्वेल्थ से लेके नीट आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट या WhatsApp कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर